हादी तुम? ये वही है ना उज्मा, तुम्हारे मालिक मकान की बेटी? हाँ वही है। देखा, पकड़े गए ना। देखा, पकड़ी गई ना, है ना कोई बात? जब तुम लोग बगैर गोलगप्पे खाए वापस आ गए थे तो मुझे लगा था कि कुछ हुआ है। फिर तुम दोनों को चुप देखकर मैंने सोचा कि चलो घर जाकर तो तुम बता ही दोगी, लेकिन तुम तो ऐसी हो गई हो उज्मा, बाप से भी छुपा कर बैठ गई। क्या बताऊं अब्बा? वो लड़की कौन थी जिसके साथ उसकी कुछ बातचीत हुई थी? सुनकर क्या करेंगे? चैन से सो तो जाऊंगा। चैन से सो जाएं जाकर, और बाकी लोगों के लिए भी दुआ करें कि वो भी चैन से सो जाएं। उसकी बीवी थी वो? जी। और वो लड़का कौन था जो उसके साथ था? हमसाया है उसका। दिमाग तो खराब नहीं है उसका? हमसाये के साथ क्यों आई थी? अब तो सो जाए ना, अब तो बता दिया है मैंने। तुमने नहीं बताया है मुझे, मैंने अंदाजा लगाया है, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हें कुछ और भी पता है जिसका मुझे नहीं पता। जी मुझे पता है, लेकिन आप वो बात मुझसे पूछेंगे ना मैं आपको बताऊंगी। मुझे दोस्त समझकर बताया था उन्होंने, और मैं आपको बताऊंगी तो सख्त बेईमानी हो जाएगी। अच्छा ये बात है। आप कोई अंदाजा मत लगाइएगा, अंदाजा ठीक भी हो सकता है। सोने जा रहे हैं? जी। तो जरा नीचे वाला दरवाजा चेक कर लीजिएगा, मुझे वहम हो रहा है इस परेशानी में किसी को लॉक करना याद रहा भी है कि नहीं। जैसे तुम्हारा हुक्म। जा रहे हैं आप? जी जा रहा हूं। जा ही रहे हैं तो देख लीजिएगा हादी साहब सो रहे हैं या बेड पे टांगे लटकाए बैठे। जी ठीक है, ये भी देख लूंगा।